ओह, एक अंडा। आई वंडर ये अंडा किसका है? क्या ये एक मेंढक का अंडा है जो फुदक फुदक के मक्खियां खाएगा? क्या ये एक मुर्गी का अंडा है जो कि इवेंचुअली बिरयानी का स्वाद बढ़ाएगा? क्या ये ड्रैगन का अंडा है जो कि सबके दिलों में आग लगाएगा? ये एक इंसान का अंडा है। वेल बच्चे, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम दुनिया बदल सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम लॉयर, या फिर तुम अपने मुंह में अपना पैर रख सकते हो। वेट, डिड यू फार्ट? शी, नो नो, डोंट लाफ। आई हेट किड्स। नो, सच में इन मासूम चेहरे के पीछे इनका ट्रू नेचर छुपा है, प्योर केओस। एरोप्लेन्स में फाइनली आई कैन स्लीप फॉर 2 hours एंड देन आई रीच माई डेस्टिनेशन। बढ़िया, 2 घंटे में निकल जाएंगे और मैं सो भी जाऊंगा। मंदिर में, फाइट क्लब में, ए पैसे निकाल। सुनो, मेरे पास पैसे तो नहीं है बट मेरे पास बेबी है, मैं तुम्हें चुनता हूं। बट वी डोंट टॉक अबाउट इट। और पता नहीं बेबीज का पॉइंटिंग से क्या ऑब्सेशन है, जब भी आप किसी बेबी को देखेंगे तो वो हमेशा किसी ना किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। And sometimes I feel like इन्हें पता होता है कि chaos फैला रहे हैं, but they pretend as if इन्हें कुछ भी नहीं पता। और जब भी इनसे पूछो तो ये reply with गुगु गागा। और अगर कभी भी evil की hierarchy बने तो इसमें सबसे पहले Satan, then Monica, then babies, except I like Satan, I love Monica. Yes, sing to me please. But yeah, obviously I'm exaggerating. मुझे babies से problem नहीं है, I mean है, wait. Let me explain. तो ऐसा फेज हर बेबी की लाइफ में आता है जब वो बोलना सीखता है, yes, cool. But then उन्हें artificial intelligence आ जाती है और बातें बनाना भी, yes, that phase. And I don't even know what to call them. Like they're not exactly babies or kids, and they're not exactly teenagers. Because अगर वो teenagers होते तो self doubt इन्हें बोलने ही नहीं देता। तो आज I'll coin the term उन बच्चों के लिए जो कि exactly kids भी नहीं है और वो लोग teenagers भी नहीं है, और वो उन दोनों के ट्रांजिशन फेज के बीच में आते हैं। वी विल कॉल देम, या दैट्स व्हाट वी गोना कॉल देम। ओके, बैक टू द टॉपिक। आई हेट देम। यस, ये बच्चे लोग अपने स्पीच और थॉट प्रोसेस का इतना फायदा उठाते हैं, बट दे स्टिल लुक अडोरेबल, सो दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। हां, बच्चे ने गाली दे दी एंड पीपल वुड ब्लेम यू कि अबे साले तुमने इसे गाली सिखा दी। पहली बात लैंग्वेज, और दूसरी बात मैं काउंटिंग भी सिखा रहा था यार इसे। अब मैं क्या करूँ, स्टूपिड को यूट्यूबर बनना है। टिंग, इसी मासूम सी शक्ल और क्रेजी दिमाग वाले एक बच्चे ने मेरा ऑलमोस्ट सिर फोड़ दिया था। ओके, तो एक बार मैं मेरी कजिन लड्डू के साथ छत पे खेल रहा था एंड फॉर सम रीजन ही गॉट मैड, तो लाइक अ नॉर्मल उसने गुस्से में मुझे मारने की धमकी दी। तू क्या? बट मैं ऐसे ही किसी छोटे आरे गरे बच्चे से डरता नहीं हूँ, ठीक? तो मैंने भी बोला यू कैन डू जैक शिट, और मैं छत से नीचे आने लगा। Okay, so here's the part of the story जो थोड़ा सा unbelievable sound करेगा, but trust me, ऐसा ही हुआ। इस छोटे से पुण्य से लड्डू ने एक limestone का पाइप उठाया बाहुबली स्टाइल और मेरे ऊपर फेंक दिया। But no, wait, I took it like a champ। उस पाइप के टुकड़े टुकड़े हो गए और मेरे सिर को कुछ भी नहीं हुआ। Yep, I know it sounds unbelievable, but मैं फेंक नहीं रहा हूँ, trust me, it's true। और पता नहीं मैं आपको ये कैसे बताऊं, बट ऐसे इंसिडेंट्स इंसान को बदल देते हैं, वो उन्हें एक डार्क पाथ पे भेज देते हैं। सो दिस इंसिडेंट मेड मी फील लाइक आई हैड सुपर पावर्स। तो मैं जानबूझ के अपने सिर को जगह जगह हिट करता था और कहता था लुक माय हेड इज सो स्ट्रांग, एंड मीनवाइल धीरे धीरे आई वॉज लूजिंग ब्रेन सेल्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई रियली थिंक इन एन अल्टरनेट यूनिवर्स ऐसा करने के काफी रिप्रकशंस हुए होंगे। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सोमिनेंट साइड। आज मैं सिट ऑन योर फेस चैलेंज करूंगा। सुनो, हाँ, आप इधर आओ, हाँ जल्दी। ओके, मेरे पास एक सीक्रेट है,
बट यू हैव टू प्रॉमिस कि आप ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे. डन? ओके कूल, पक्का? ऑसम ऑसम. ओके ओके, द सीक्रेट इज कि मैं भी एक टाइम पे बच्चा था. नो 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 नो, डोंट पैनिक डोंट पैनिक, अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ. ओके, इट्स ऑल कूल, रिलैक्स रिलैक्स. तो हाँ, मैं भी एक समय पे एक था. या आई एम लिविंग विद दैट जोक. ओके, बट मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बोलना नहीं थी. मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत सस रहता था. सबसे पैरानॉइड है ना कि क्यों तुम मेरी इस छोटे से जानवर की, चिहुआवा के चोचले की क्यों हेल्प करोगे. बट इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. ओके, तो एज अ मेरे भी काफ़ी चोचले थे, राइट? मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी मुझे भी बाहर जाना है. और मम्मी कहीं किसी काम से जाए तो मैं जिद करता था कि मुझे भी चलना है. और मेरी मम्मी मुझे गेट के पीछे बंद करके चली जाती थी, लाइक अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट शुड डू. बट एक दिन समहाउ मैंने वो गेट क्रॉस कर दिया और मैं क्वेस्ट पे निकला अपनी मम्मी को ढूंढने. कहीं मेरी मम्मी को मेरी ज़रूरत हुई तो? कहीं कहीं मेरी मम्मी खो तो नहीं गई? उन्हें घर वापस कौन लाएगा? मैं लाऊंगा. वो चलता चला मम्मी के पास, जालिम की दुनिया है ना कोई उसके साथ. वो चलता चला गया उसके खून भरे पाँव, साथ मेरे आओ. तो मैंने मम्मी को बहुत ढूंढा और इट वाज ऑब्वियस मम्मी खो चुकी थी. बट देन इट हिट मी, एक मिनट, मम्मी नहीं खोई है, मैं खोया हूँ. तो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड क्राइंग. और एक आंटी ने मुझे देखा, वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मी खो गई हैं. अरे रो मत बेटा, आओ मैं तुम्हें मम्मी के पास ले जाऊँ, उन्होंने मुझे तुम्हें लाने भेजा है. और इस काइंड लेडी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे मम्मी के पास ले जाने लग गई. हम काफ़ी देर तक साथ चले और अब मैं जहाँ भी था, ये एरिया मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था. तो मम्मी श्योरली मेरे जानने वाले एरिया से दूर थी, विच मेक सेंस कि उन्होंने इस काइंड लेडी को मुझे लाने क्यों भेजा था. बट देन हमें रास्ते में एक अंकल ने रोका, उन्होंने मुझे देखा एंड देन उन्होंने उन आंटी को देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो मैंने जवाब दिया, ये आंटी मुझे मम्मी के पास ले जा रही हैं. तो उन अंकल ने एकदम से हड़बड़ी में मुझे खींचा और मुझे घर ले जाने लग गए. मम्मी घर पे हैं बेटा. नहीं, वो आंटी मुझे मम्मी के पास ले जा रही. ओह मम्मी, आप घर कब आए? सो वो अंकल सही थे और मम्मी घर आ चुकी थी. तो अगर आपकी डिड्यूसिंग स्किल्स टाइनी डोमिनेंट से तेज है तो अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं ऑलमोस्ट किडनैप होने वाला था. और ये चीज मुझे जैसे ही रियलाइज हुई मैं रोने लगा. एंड जेन्युइनली इस इवेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है. एंड आई जस्ट वंडर कि अगर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में किडनैप हो चुका होता तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती. इस इवेंट से मैं इतना ज़्यादा स्कार हो गया था कि मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता था. वेल लेट मी फ्रेम दैट अगेन, मुझे किसी भी चीज़ पे भी ट्रस्ट नहीं होता था. साइकिल, साइकिल पहिया अलग, चप्पल, चप्पल नाली में, बेल्ट, बेल्ट ढीली, पंखा, पंखा. कसम से जब भी बेड पे लेटता हूँ और पंखा घूमते देखता हूँ, आई ऑलवेज इमेजिन कि ये पंखा गिरेगा. अभी जब मैं देख रहा हूँ वो नहीं गिर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी, ये जरूर गिरेगा. और वो भी सीधे नहीं गिरेगा, घूम घूम के गिरेगा, मेरी बॉडी के 600 टुकड़े करके गिरेगा और कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा. अनटिल मैंने एक बार एक घूमते पंखे को अपने सिर से रोक दिया. आई एम पावर. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? किड्स आर स्टूपिड. But don't worry, you'll grow up to be an amazing human, just like me. Thanks a lot for watching this video, everyone. I know I took a lot of time to animate this, but you know, life happens. Or video ke starting mein I was like, mere gala bhi kharab ho gaya tha, and then things got weird, man, weird. Okay, so finally, the animation is over. But here's something that I wanted to say in the end card. जब मैं एनिमेशन कंप्लीट कर चुका था तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आई वाज एक्चुअली नेकेड द होल टाइम जब मैं किडनैप हुआ. तो लाइक मैंने बनियान पहनी हुई थी, नीचे से आई वाज नेकेड. तो देयर इज दैट मेंटल इमेज. आई डिड हैंड रिवील, आई डोंट नो व्हाट टू डू एट 10K, सो लेट मी नो दैट. एंड आई होप मैं और वीडियोज अपलोड करूँ. टेक केयर एवरी वन एंड प्लीज गेट वैक्सीनेटेड.